अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू रियडिफाई। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में आपसे शेयर कर रही हूँ इंस्टेंट ग्लो पाउडर, इंस्टेंट होममेड स्क्रब जो इंस्टेंटली आपकी स्किन को वाइट और ब्राइट कर देगा और स्किन में जो भी डेड स्किन सेल्स हैं उनको रिमूव कर देगा और आपकी स्किन ब्राइट हो जाएगी और बहुत शाइनियर भी हो जाएगी। तो चलें विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक खाली जार लेना है, आपके घर में जो भी अवेलेबल जार हो वो आप ले लें। मेक श्योर कि वो ड्राई हो, बिल्कुल भी गीला ना हो, क्योंकि हम यहाँ पे ग्लो पाउडर तैयार कर रहे हैं। पाउडर अगर थोड़ा सा भी गीला हो जाता है तो वो खराब हो जाता है और लंबे अरसे तक वो स्टोर नहीं रह सकता। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऐड किया है रोज पेटल का पाउडर 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून। उसके बाद संदल वुड पाउडर ऐड कर रही हूँ सेम क्वांटिटी का 1 टेबल स्पून। सारे पाउडर्स जितने भी आपने इसमें ऐड करने हैं सबकी सेम क्वांटिटी लेनी है। उसके बाद मोरिंगा पाउडर शेयर करें, मोरिंगा लीव्स पाउडर। इसके तो मैं जितने भी बेनिफिट्स आपको बताऊं कम है। इस आपकी स्किन पे ब्लीचिंग इफेक्ट आता है और इंस्टेंटली आता है। आप जब इसको लगाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि कितना अच्छा इससे ब्लीचिंग इफेक्ट आता है। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मर्ड ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून सेम क्वांटिटी। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो दूसरे पाउडर्स का ब्लेंड है उसकी वजह से आपकी स्किन ड्राई बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आप इसमें दानी मिट्टी लगा सकते हैं, स्किन बिल्कुल भी आपकी ड्राई नहीं होगी। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो बहुत ही इफेक्टिव है हमारी स्किन के लिए, राइस फ्लोर ऐड कर रही हूँ। ये 2 टेबल स्पून मैं ऐड करूँगी। राइस फ्लोर स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, ऑल स्किन टाइप है, तो इसलिए इसकी क्वांटिटी 2 टेबल स्पून रखी है। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी अपनी स्किन के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद आप सारे पाउडर्स को अच्छे से मिक्स कर लें ताकि सारे पाउडर आपस में मिक्स हो जाएं। फिर उसके बाद ये देखिए हमारा ग्लो पाउडर रेडी हो गया। अच्छा, आप इसको रूम टेम्परेचर में फॉर मंथ्स, जितने भी महीनों के लिए बस ड्राई रहे। आप इसको ज़रा सा भी गीला ना करें, अगर वेट हो जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। तो अगर आप ड्राई जार में इसको सेव करेंगे, स्टोर करेंगे, तो ये महीनों तक सेफ हो सकता है रूम टेम्परेचर पर। फ्रिज में रखने की भी इसको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन बहुत ही इजी है। एक दफ़ा आपने पाउडर बना के रख दिया तो एप्लीकेशन बहुत ही इजी है। थोड़ा सा आपने क्वांटिटी, जितने भी आपको ज़रूरत है उतनी क्वांटिटी आपने ले लेनी है। नेक पे भी आप इसको अप्लाई करें, नेक का रंग भी इससे वाइट हो जाएगा। थोड़ी सी क्वांटिटी लेने के बाद आप कोई भी असेंशियल ऑयल इसमें डाल लें और रोज़ वाटर को ऐड करें और इन दोनों चीज़ों के साथ आप मिक्स करके इसको फेस पे और नेक पे अप्लाई करें एज अ स्क्रब और एज अ मास्क, जिस तरह भी आप इसको यूज़ करना चाहें। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप इसमें योगर्ट ऐड कर लें। अगर आपकी स्किन पे एक्नी या एक्नी स्कार्स हैं, सेंसिटिव हो रही है, तो आप इसमें योगर्ट दही का इस्तेमाल करें और एज अ फेस मास्क। फिर आपने बिल्कुल भी स्क्रबिंग नहीं करनी। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप इसमें दही ऐड कर लें ग्लो पाउडर में और एज अ मास्क आप इसको यूज़ करें। आपकी स्किन ब्राइट हो जाएगी और एक्नी स्कार्स जो होंगे वो काफ़ी हद तक फेड हो जाएंगे, ख़त्म तो नहीं होंगे, फेड हो जाएंगे। और इस्तेमाल करते रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता स्कार्स भी ख़त्म हो जाएंगे। तो यूज़ करना बहुत ईजी, एक दफ़ा आपने इसको पाउडर बना के रख लिया, पर ईजीली आप इसको कभी भी थोड़ी सी क्वांटिटी में लेकर योगर्ट या रोज़ वाटर या ऑयल के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। सो डू सब्सक्राइब फॉर मोर।